बॉलीवुड के मोस्ट एनर्जेटिक और हैंडसम हंक कहे जाने वाले वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म भेड़िया को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक्टर की ये फिल्म आज ही यानी 25 नवंबर को पर्दे पर रिलीज हो रही है। वहीं फिल्म के शुरुआती रुझान काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिल्म के साथ ही वरुण की पर्सनल लाइफ और वरुण के पापा बनने की खबर भी सामने आ रही है, जिसको लेकर अब वरुण धवन ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल उड़ती उड़ती खबरें ऐसी सामने आ रही थी कि वरुण धवन के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है, यानी कि वरुण की पत्नी नताशा दलाल प्रेग्नेंट है। वहीं जब इस खबर के बारे में वरुण धवन से पूछा गया तो उन्होंने इसे झूठ बताते हुए कहा कि नताशा दलाल प्रेग्नेंट नहीं है और अभी वो और उनकी वाइफ एक बेबी डॉग के पेरेंट्स हैं। इसके बाद एक्टर ने जानकारी दी कि आगे आने वाले कुछ सालों में वो माता पिता बन सकते हैं। इसके साथ ही एक मीडिया ग्रुप को दिए हालिया इंटरव्यू में वरुण ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां वरुण ने बताया कि शादी के पहले बचपन में उन्होंने ये सोचा था कि वो लाइफ में कभी भी शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब वो अपनी वाइफ नताशा दलाल से मिले उसके बाद उन्हें लगा कि यही वो लड़की है जो उन्हें हर हाल में समझ सकती है, क्योंकि वरुण के लिए हमेशा से शादी का मतलब अंडरस्टैंडिंग ही रहा था और नताशा इस पर बखूबी खरी भी उतरी है। वही वरुण की फिल्म भेड़िया आज ही पर्दे पर रिलीज हुई है और फिल्म को ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहानी है वरुण धवन की, जो अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, उन्हें एक प्रोजेक्ट पूरा करने हैं जिसके लिए वो जंगल काटने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टोरी यही बदल जाती है जब वरुण खुद ही एक जानवर से कटवा लेते हैं और ये जानवर कोई और नहीं बल्कि भेड़िया होता है और यहीं से शुरू होती है मूवी की पूरी स्टोरी। फिल्म में वरुण के साथ कृति सेनन, अभिषेक बनर्जी, दीपक दोबरियाल भी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। वह इस फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है, लेकिन अभी तक आपने ये मूवी देखी है या नहीं? अगर नहीं देखी है तो आप देखने के बाद अपना रिव्यू हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।